आज मैं अपनी 80cc साइकिल को चलाकर दिखाने वाला हूँ मौत के कुएं में। और दोस्तों अभी जो ये बाइक चला रहे हैं वो हैं दोस्तों यहाँ के मास्टर स्टंटमैन, जिनको दोस्तों 32 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है मौत के कुएं में गाड़ी को चलाते हुए। काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको और गाड़ी के चलते समय दोस्तों ये काफ़ी तरह के अलग अलग स्टंट परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि हाथ छोड़कर गाड़ी को चलाना, चलती हुई गाड़ी में पलटकर पीछे बैठ जाना, और दोस्तों जो साथ में 3 या 4 बाइक चलती हैं तो उसमें ये लोग हाथ आपस में पकड़ लेते हैं और बाइक को चलने देते हैं, गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाना, तो काफ़ी तरह के स्टंट ये कर लेते हैं। तो इन्हीं से आज मैं सीखने वाला हूँ कि मौत के कुएं में कैसे गाड़ी चलाई जाती है। ये आप दोस्तों मौत का कुआं देख रहे हैं, ये अभी सबसे बड़ी साइज का मौत का कुआं है जो कि मैंने देखा है। तो इसी में दोस्तों मैं चलाने वाला हूँ अपनी 80cc 2-स्ट्रोक साइकिल को। और इसमें दोस्तों जो बाइक चलती है वो मेनली 2-स्ट्रोक बाइक ही चलाई जाती है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया पिकअप और पावर देती हैं इस तरह की कंडीशन के हिसाब से। इस मौत की कुएं को आप दोस्तों देख सकते हैं जो कि पूरा लोहे के फ्रेम से बना हुआ है और अंदर की तरफ लकड़ियों की पट्टियां लगी हुई हैं दोस्तों। तो इस तरह का यह मौत का कुआं जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। ये बाइक देख सकते हैं 2-स्ट्रोक बाइक जो कि सुजुकी मैक्स 100 है, RX 100 इसमें चलती है, बहुत ही कमाल का साउंड देती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ट्राई करता हूँ कैसी चलती है आखिर हमारी साइकिल इस कुएं के अंदर। तो हमें किसी से सीखना पड़ेगा, एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। तो जैसे ही दोस्तों मैंने साइकिल को स्टार्ट किया, एक्सपर्ट आए जो कि यहाँ के मास्टर गुरु हैं, वो यहाँ पर सबसे ख़तरनाक स्टंट कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा अलग अलग स्टंट उन्हीं को आते हैं। तो देख लेते हैं एक बार वो किस तरह से चलाते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने किस तरह से गाड़ी को चलाते हैं। पहले ही गियर में दोस्तों ये गाड़ी को सीधा ऊपर ले जाते हैं और फिर एक के बाद एक गियर चेंज करके गाड़ी को स्पीड देते हैं और स्टंट करते हैं उसमें अलग अलग। अभी दोस्तों पब्लिक नहीं है, बेसिकली उन्होंने सिर्फ ये मेरे लिए करके दिखाया है। अभी जब पब्लिक आएगी और ये और भी ज़्यादा अलग अलग स्टंट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों देखते रहें, और इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो भी कमाल का है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस मौत की कुएं के बारे में दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ उसको बेल ऑफ डेथ क्यों कहते हैं। उसका रीज़न ये दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी को चलाया जाता है, कई बार जब गाड़ी नीचे गिरती है तो कई लोग के हेड वगैरह में इंजरी हो जाती है तो सीधी मौत हो जाती है, तो इसलिए इसको मौत का कुआं बोला जाता है। गाड़ी को चलाते समय दोस्तों किसी भी तरह की सेफ्टी का ख्याल ये लोग नहीं रखते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा एक कुआ है, हेलमेट भी नहीं पहनते हैं, ना ही शूज़ या कुछ भी नहीं पहनते हैं ऐसा सेफ्टी, जिससे सेफ्टी जो है वो बनी रहे। तो लेस ऑफ सेफ्टी की वजह से दोस्तों मौत हो जाती है, इसलिए इसको मौत का कुआं कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था और साइकिल को देखने लगे, पूछने लगे कैसी क्या है, और उन्होंने इस साइकिल को चला कर भी देखा, ये सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो इस तरह से दोस्तों मैं मेले के अंदर एंटर किया था जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके एक दिन पहले मैंने साइकिल को तैयार किया था मौत की कुएं में चलने के हिसाब से, उसके इंजन वगैरह को ट्यून किया था। इसको दोस्तों मैंने 1 साल से स्टार्ट नहीं किया है, 1 साल से ये एज इट इज़ कमरे के अंदर पैक बंद कंडीशन में रखी हुई है। फिर भी आप इसकी हालत देखेंगे तो ज़्यादा ख़राब नहीं है, इसमें जाले वगैरह नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी आ गई है। स्टार्ट इंजन होता है या नहीं होता है वो कह नहीं सकते हैं, तो अभी आप इसकी कंडीशन देख लें। डस्ट आप दोस्तों देख सकते हैं, तो नॉर्मली ज़्यादा डस्ट तो नहीं है, कमरे के अंदर पैक बंद रखी हुई थी एकदम, तो डस्ट कम है और टायर वगैरह की हवा निकल चुकी है, पूरा पेट्रोल इसमें जो था वो उड़ चुका है,
और ये कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह की है। तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको स्टार्ट नहीं किया है, चलाया नहीं है मैंने। फाइनली अभी इसको थोड़ा सा तैयार करता हूँ, और क्योंकि कल लेकर जाना है मौत के कुएं में चलाने के लिए। तो ये दोस्तों 80 cc साइकिल है, इसके अंदर 80 cc का 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है, सिंगल सिलेंडर। जैसे जैसे दोस्तों इस साइकिल को हम चलाते हैं वो गर्म होती है, वैसे वैसे इसका साउंड और इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। तो जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाती है तो ये काफ़ी बढ़िया पिकअप देती है, बेहतरीन चलती है ये साइकिल। और इस साइकिल को मैंने दोस्तों कहाँ से ख़रीदा है, कैसे इसको बनाया है, सारी इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी पुरानी वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अभी आप इसका ओवरऑल लुक देख लो दोस्तों, पूरी में डस्ट आ गई है और हवा वगैरह बिल्कुल नहीं है टायर में, रखी रखी दोस्तों पूरी हवा निकल गई है, देख सकते हैं। हाथ ही से इसको प्रेस करेंगे तो अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे मैंने इसको ट्यून किया, कैसे इसको मैंने रेडी किया मौत की कुएं में चलाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सारे स्टंट जो कि जो मास्टर हैं वो करके बताएंगे, और लेडीज़ भी गाड़ी चलाती हैं उस मौत के कुएं में। तो इसमें दोस्तों पेट्रोल भरते हैं टैंकी में, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 लीटर 800 ml, और इसका ये 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है दोस्तों जो कि 80 cc का है। इसमें ड्यूअल चेन सिस्टम आता है, एक चेन रहती है हमारी इंजन से और एक चेन रहती है पैडल से, तो इसको पैडल और इंजन दोनों से चलाया जा सकता है। टायर आप दोस्तों देख सकते हैं नॉर्मल साइकिल वाले हैं, कोई अलग से टायर चेंज नहीं किए हैं। तो हवा वगैरह भरेंगे, पूरा इसको तैयार करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देखते रहें दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों इसमें हवा भरेंगे, हवा भरने के लिए मेरे पास यहाँ पर दोस्तों एक ऑटोमेटिक मशीन है, तो बेसिकली इसको बस नोजल से कनेक्ट करना पड़ता है। कितनी आपको हवा भरनी है उतनी आप बटन दबाकर छोड़ दें तो हवा पूरी भर जाती है। दोस्तों जो गाड़ी मौत के कुएं में चलती है उसमें फ्रंट में ज़्यादा हवा रहती है और पीछे कम रहती है, ये खास बात रहती है। क्योंकि बेसिकली हम जो रोड पर गाड़ी चलाते हैं उसमें पीछे थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि पीछे 35 है और आगे 30, इस तरह से, तो उसमें उल्टा रहता है, आगे 35 और पीछे 30। टंकी के अंदर पेट्रोल डाल रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.8 लीटर है, लेकिन अभी मैंने इसमें 650 ml पेट्रोल जो है वो डाला हुआ है। इसमें ऑयल भी मिक्स करेंगे क्योंकि ये इंजन 2 स्ट्रोक है और ये चलता है मिक्स लुब्रिकेशन के बेस पर। इसमें इंजन में ऑयल नहीं डलता है, सीधा आपको टैंक में ही डालना है, तो मिक्स अप होके चलता रहता है। पेट्रोल को ऑन कर दिया है, तो ये हमारा पेट्रोल हो गया, हवा हो गई। अब दोस्तों सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, इसमें डस्ट लगी हुई है, बेसिकली इसको धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उस तरह से मड वगैरह नहीं लगी हुई है, गंदी नहीं है वैसी, सिर्फ डस्ट वगैरह है। तो डस्ट को हम नॉर्मल ब्रश से, जहाँ पर अनइवन सरफेस है और जहाँ पर सीधा सीधा है वहाँ पर हम कपड़े से उसको साफ कर लेंगे। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं, चमक जाए जिससे ये, और जो भी शो में देखने के लिए आ रहे हैं कम से कम उनकी नज़र इस पे बनी रहे, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन अलग चीज़ है। साथ ही में दोस्तों ये इंजन वाली साइकिल नाम से ये फेमस है, मेरे एरिया में इंजन वाली साइकिल बोला जाता है इसको। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे जिससे इसमें साइन आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी कंडीशन कैसी हो गई है, एकदम चमक गई है साइकिल। इसका आप टैंक देख सकते हैं, ग्लॉसी रिफ्लेक्शन दे रहा है दोस्तों लाइट का, आप देख सकते हैं। फ्रंट के आप देख लें, इसमें एक साइड में 2 ब्रेक आ जाते हैं जो कि एक क्लच है और एक ब्रेक है। और फ्रंट में आपको देखेंगे तो इसमें नॉर्मल ब्रेक मिलते हैं, डिस्क ब्रेक नहीं है, लेकिन इसमें फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। और पीछे आप सिस्टम देख सकते हैं, काफ़ी चमक रही है, काफ़ी बढ़िया है, ठीक है चलने के लिए। यहाँ इस तरफ से आप देख सकते हैं इसमें 2 लोग भी बैठ सकते हैं, इसमें वो जो सिस्टम है वो भी मैंने इसमें लगाया हुआ है।
अब इसमें चैन लूप डालेंगे, चैन लुब्रिकेशन जो कि लुक की मूली की चैन स्प्रे है मेरे पास। सबसे पहले डालेंगे उस चैन में स्प्रे दोस्तों जो कि हमारे इंजन से कनेक्ट है, इंजन से चलती है, और फिर हम पैडल वाली चैन में भी स्प्रे डालेंगे क्योंकि इसको पैडल से भी चलाया जाता है। तो स्प्रे डालने से ये लुब्रिकेशन के साथ व्हील अच्छा घूमेगा, कोई भी वाइब्रेशन नहीं आएगा, चैन टूटने वाली बात नहीं रहेगी, काफ़ी टाइम से नहीं किए तो ठीक रहेगा। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए बहुत जल्द इसका पार्ट टू लाने वाला हूं, जिसके अंदर मौत के कुएं के अंदर ये साइकिल चलेगी, पूरी पब्लिक रहेगी और सारी तरह के स्टंट इससे परफॉर्म किए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।